हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये सपा के बयान बहादुर हैं, ऐसे बयान बहादुर सभी पार्टियों में हैं, बीजेपी में भी हैं। दलजा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह बेतू का बयान के मामले में राधेश्याम सिंह से भी दो कदम आगे निकल गए। राधेश्याम सिंह ने योगी सरकार की किरकिरी कराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने बड़बोलेपन की सारी हदों को पार करते हुए कहा कि प्रदेश में जो अधिकारी और कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं वो अवैध कमाई की आदि हो चुके थे। पुरानी सरकारों में ऐसे अधिकारियों ने खूब मलाई चाटी, अब इस सरकार में खिचड़ी खाने को मिल रही है जिसकी वजह से अधिकारी और कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के कुल में रघु का बड़बोलापन, बेतू के बयान से योगी सरकार की कराई किरकिरी, खुदकुशी करने वाले अधिकारियों का उड़ाया मजाक, पुरानी सरकार के पापी चुन रहे मौत। रघुराज सिंह यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री है, यूपी भवन और कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है, लेकिन आज सत्ता की खुमारी में है, नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो अपने बयानों से सारे राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों को तहस नहस करके रख दिया। माननीय ने अपने बोल को शब्दों के जहर में ऐसा घोला, अहंकार को ऐसे मिलाया कि इस अद्भुत वक्ता को अलंकार और उपमाओं से नवाजने का दिल कर रहा है। माननीय ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की खुदकुशी पर जवाब देते देते सारी मर्यादाओं का सरेआम उल्लंघन कर दिया। जिनको अब कहीं खाने को नहीं मिल रहा वो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने मलाइयाँ चाटी थी आज उनको वो खिचड़ी से बात बन नहीं रही, इसलिए आत्महत्याएं। ये पारिवारिक कलेश भी उनके साथ हो रही है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा कमा लेते थे, अब वो कमाने का सिस्टम है नहीं। आदरणीय योगी जी न खाएंगे न खाने देंगे, सबका साथ सबका विकास के साथ काम करेंगे। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने बड़बोलेपन की सारी हदों को पार करते हुए कहा कि प्रदेश में जो अधिकारी और कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं वो अवैध कमाई के आदि थे, पुरानी सरकारों में ऐसे अधिकारियों ने खूब मलाई चाटी है, इस सरकार में खिचड़ी खाने को मिल रही है, अवैध कमाई हो नहीं पा रही है जिसके चलते घुसखोर अधिकारियों के घरों में कलह हो रही है, इसके बाद ही अधिकारी और कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए माननीय के अद्भुत बयान को। जिनको अब कहीं खाने को नहीं मिल रहा वो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने मलाइयाँ चाटी थी आज उनको वो खिचड़ी से बात बन नहीं रही, इसलिए आत्महत्याएं। ये पारिवारिक कलेश भी उनके साथ हो रही है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा कमा लेते थे अब वो कमाने का सिस्टम है नहीं। आदरणीय योगी जी न खाएंगे न खाने देंगे, सबका साथ सबका विकास के साथ काम करेंगे। जले पर नमक छिड़कना इसे ही कहा जाता है, मंत्री साहब नमक छिड़क रहे हैं जो उन बदकिस्मत इंसानों के दिलों में टीस उठेगी, दिल रोएगा ही, आखिर अपनों के चले जाने का गम ऐसा ही होता है। लेकिन मंत्री रघुराज प्रताप सिंह तो असंवेदनशीलता को भूलकर संवेदनहीन हो चुके हैं और माननीय भूल गए उन्हें कभी न कभी जनता के दरबार में इसका जवाब देना ही होगा। प्रमोद गौतम, झांसी, समाचार प्लस।